गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम कल क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चैप्टर फिफ्थ, जिसका क्या नेम है? कौन। जिसका नेम क्या है? कौन। इस चैप्टर को हमने हाफ पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। अब हमें आगे पढ़ेंगे, क्या करेंगे इसको? आगे पढ़ेंगे। ओके, तो हम आगे इसको पढ़ते हैं। आगे क्या है? कुतर कुतर कर कागज सारे, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, रद्दी से घर को भर जाता, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता। वो क्या कर जाता है? कुतर कुतर कर कागज को काट काट कर, कागज को कुतर कुतर कर कागज को काट काट कर क्या कर जाता है? कागज से घर को सारा भर जाता है, रद्दी कर जाता है। कागज जो बुक होती है उसको क्या कर जाता है? रद्दी कर जाता है, उसको कतर जाता है। क्या कर जाता है? कागजों को कुतर कुतर कर कतर जाता है, तेजी से उसको क्या करता है? काटता है अपने मुंह से। क्या करता है? काटता है। रद्दी से घर को भर जाता, और घर को क्या कर जाता है? रद्दी कर जाता है, रद्दी से घर को सारे को भर जाता है। क्या कर जाता है? भर जाता है। कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, कौन कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, तो कौन कबाड़ी, कौन है कबाड़ को कारोबार करने वाला, ऐसा कौन है जो कूड़ा कर देता है, जो कूड़ा कर देता है, कबाड़ी है जो कूड़ा। कबाड़ी का मतलब कबाड़ का कारोबार करने वाला, तो ऐसा कौन है जो कूड़ा कर जाता है, दुनिया भर का घर भर जाता, और क्या कर जाता है? दुनिया भर का घर को भर जाता है, घर को क्या कर जाता है? घर को गंदा कर जाता है, घर को भर जाता है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, तो ऐसा कौन है जो जो घर को कागजों से भर जाता है, तो कौन है ऐसा, बताओ कौन है ऐसा, कौन है? कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता, तो ऐसा कौन है? ऐसा कारोबार करने वाला कौन है? कौन है ऐसा कारोबार करने वाला जो यहाँ पे क्या कर जाता है? कूड़ा कर जाता है, दुनिया भर का घर को क्या कर जाता है? भर जाता है। कौन रात भर गड़बड़ करता, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, तो ऐसा कौन है जो रात को क्या करता है? गड़बड़ करता है। क्या करता है? गड़बड़ करता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, हमें नहीं देता सोने, और हमें क्या नहीं करने देता है? हमें सोने नहीं देता है, हमें क्या नहीं करने देता? हमें सोने नहीं देता। कौन रात भर गड़बड़ करता, तो ऐसा कौन है जो रात भर क्या करता है? गड़बड़ करता है, हमें नहीं देता है सोने, हमें क्या नहीं करने देता? हमें सोने नहीं देता है। जो रात को क्या करता है? गड़बड़ करता, और हमें सोने नहीं देता। खुर खुर करता, इधर उधर ढूंढा करता, छिप छिप कोने, वो क्या करता है रात को? इधर उधर खुर खुर करता है, क्या करता है? खुर खुर करता है, आवाज करता है, खुर खुर करता है, करता इधर उधर, कभी इधर करता है और तो कभी
इधर करता, ढूंढा करता छिप छिप कोने। जब हम उसको देखते हैं तो वो क्या करता है, कोना ढूंढता है छिपने के लिए, कोना ढूंढता है। कौन रात भर गड़बड़ करता है, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। तो वो क्या करता है, खुर खुर करता है रात को जब हम सोते हैं, तो वो क्या नहीं करने देता हमें, सोने नहीं देता। वो क्या करता है, वो खुर खुर करता है, वो आवाज करता है। तो कौन है ऐसा रोज रात भर जगता रहता, और रात भर वो जगता रहता है, वो सोता नहीं है, वो रात भर जगता रहता है, रोज रात भर जगता, रोज रात भर वो क्या करता है, जगता रहता है। खुर खुर इधर उधर है धाता, खुर खुर इधर उधर है, धाता मतलब भागता, खुर खुर इधर उधर वो क्या करता है, भागता है, रोज रात पर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, इधर उधर वो भागता रहता है। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। तो कवि क्या बोल रहा है, कवि बोल रहा है बच्चों क्या बताओ, उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता, ऐसी शरारत कौन करता है। तो कौन करता है ऐसी शरारत, क्या करना है हमको, सोचना है कि ऐसी शरारत कौन करता है। तो कौन करता है ऐसी शरारत, जो रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत ये कर जाता। तो ऐसा कौन करके जाता है, कौन होता है वो, कौन होता है चूहा, कौन होता है चूहा होता है। तो कौन है वो, चूहा। ओके, कौन है वो, चूहा। अब हम देखेंगे इसके शब्द। कुतरना मतलब तेजी से काटना, दुबकना डर कर छिपना, चट करना खाना मतलब खत्म करना, दोना पत्ते या कागज के बना बर्तन, खलीता किसी पोशाक की जेब, अनजाने बिना जानकारी के, जिल्द कवर पोथी पुस्तक, छन्ना छानने का कपड़ा, कबाड़ी कबाड़ का कारोबार करने वाला, धाता भागता। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको इस कविता को अच्छे से पढ़ना है। क्या करना है, इस कविता को अच्छे से पढ़ना और इस कविता को अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, तो आज आप इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे और इसको अच्छे से समझोगे। ओके, और कल हम करेंगे इस कविता के क्वेश्चन आंसर। क्या करेंगे कल हम इस कविता के क्वेश्चन आंसर। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। ओके, थैंक यू बच्चों।